नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस हैं। ये 40 केस 8 राज्यों में पाए गए हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक है। जहां केंद्र सरकार ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मोटे तौर पर दोनों भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफी प्रभावी हैं, लेकिन वे किस तरह से काम करेंगे ये अभी देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें कि यह भी बताया गया है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड काफी प्रभावी है, लेकिन वे किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं और इसकी जानकारी बहुत जल्द ही साझा कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद उसका नया रूप अब सामने आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि ये 40 केस 8 राज्यों में पाए गए हैं, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक हैं। वहीं केंद्र सरकार ने यह कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए राज्यों को सतर्क रहने की काफी जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मोटे तौर पर दोनों भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन वे किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं इसकी जानकारी बहुत जल्द ही साझा कर दी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। जहां फाइनेंस कर्मियों के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। प्राइवेट फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों के साथ लूट हुई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं 1,60,000 की नकदी लूट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो आगरा से एक खबर बता रहा, जहां पर फाइनेंस बैंक कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि फाइनेंस कर्मियों के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और प्राइवेट फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों के साथ लूट हुई है। जी हां, बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं 1,60,000 की नकदी लूट कर बदमाश मौके से फरार हो गए और घटना के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। कानपुर के काकदेव थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीख मांगने वाली 8 महिलाओं को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि गोद में बच्चा लेकर महिलाएं भीख मांगती थी, वहीं गाड़ियां जबरन रोककर रुपए देने का दबाव बनाती थी। गिरफ्तार सभी महिलाएं मूल रूप से राजस्थान की हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने भीख मांगने वाली 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गोद में बच्चा लेकर ये महिलाएं भीख मांगती थी, वहीं गाड़ियां जबरन रोककर रुपए देने का लगातार दबाव भी बनाती थी। आपको बता दें कि गिरफ्तार सभी महिलाएं मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं। थाना काकादेव की पुलिस टीम ने 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये बच्चों को गोद में लेकर भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़ी गई हैं। मूल रूप से राजस्थान की निवासी हैं, 20 साल से गुजरात के अहमदाबाद में रह रही हैं और वहाँ से कानपुर में आकर ये भिक्षावृत्ति कर रही थी। उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और इनको जेल भेजा गया है। ये जीन्स इसलिए पहनते हैं जिससे लोग इनको बच्चा चोर ना समझे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर नगर में संयुक्त विपक्ष मोर्चा पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने एक साथ बैठक कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने की बात कही है, जिसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से जन समस्याओं के बारे में बताएंगे और किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों में भी गिरावट की जाए। जनता काफी बेहाल है और कोरोना काल को देखते हुए जनता को
काफी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ता है। तो कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर संयुक्त विपक्ष मोर्चा पार्टी की बैठक हुई और इसमें सभी पदाधिकारियों ने एक साथ बैठक करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने की बात कही है, जिसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से जन समस्याओं के बारे में बताया जाएगा और किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि इसमें पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों में भी गिरावट करे जाने की बात कही गई है और कोरोना काल को देखते हुए जनता को इससे काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज की बैठक का यह उद्देश्य तय हुआ है कि संयुक्त विपक्षी मोर्चे की बैठक है जिसमें सीपीएम, सीपीआई, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, सपा और अदर जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में, वो सभी पार्टियों के पदाधिकारी आए और बैठे। और ये तय हुआ है कि 25 तारीख को माननीय श्री कोविंद साहब जो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, जिनको हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उनको ये सुझाव देंगे कि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज जो संयुक्त विपक्ष है हमारे कानपुर शहर का, जिसमें कांग्रेस पार्टी, सपा, लोकतांत्रिक जनता पार्टी, जनता दल, आरजेडी और राष्ट्रीय लोकदल, सीपीआई, सीपीआईएम और तमाम जो संगठन हैं जो यहाँ सक्रिय रहते हैं, तो आज ये लॉकडाउन वगैरह उठने के बाद बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से एक ऐलान हुआ है कि 26 तारीख को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तमाम राजभवन में दिया जाए। तो चूंकि उस दिन इत्तेफाक से राष्ट्रपति हमारे ज़िले में है, तो हम लोग यहाँ यही तय कर रहे हैं कि हम लोग अपने ज़िलाधीश को ज्ञापन देंगे कि आप राष्ट्रपति महोदय को पहुँचा दीजिए और हम लोगों की जो भावनाएँ वो बताइए कि किसान 6 महीने से बैठे हैं और हर तरह का मौसम उन्होंने झेला है, 500 मर चुके हैं, उनकी मांगे भी बिल्कुल जायज़ हैं, तो आप राष्ट्रपति का मतलब जो गरिमा है उसका इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बनाइए कि उनको बुला करके बात करते हैं। अगली खबर की ओर, कौशाम्बी के बैरोचा गांव में सफाई कर्मी के ना आने से सड़क और गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी हां, यहां ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी कभी आते ही नहीं है और कभी आते भी हैं तो प्रधान के घर के सामने सफाई करके चले जाते हैं और पूरे गांव में सफाई ना होने से गांव की नालियां चोक हैं। नाली की सफाई ना होने से नाली का गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से मंदिर, स्कूल व गांव में आने जाने वाले राहगीरों लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार एडीओ पंचायत अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी सफाई कर्मी यहाँ नहीं आते हैं और तो और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अगर कभी आते भी हैं तो स्कूल और प्रधान के घर के सामने सफाई करके चले जाते हैं। तो बड़ी खबर ये कौशाम्बी से है जहां पर सफाई ना होने से गांव की नालियां चोक हो गई है। यहां पर ग्रामीणों का ये कहना है कि सफाई कर्मी यहां पर कभी आते ही नहीं हैं और अगर आते भी हैं तो प्रधान के घर के सामने सफाई करके चले जाते हैं और पूरे गाँव में सफाई ना होने से गाँव की नालियां चोक हैं। नाली के सफाई ना होने से नाली का गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से मंदिर, स्कूल व गांव में आने जाने वाले राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार एडीओ पंचायत अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी सफाई कर्मी नहीं आते हैं और आते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रधान के घर के सामने ही सफाई करते हैं। आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है कि अगर कभी आया भी जाता है तो स्कूल और प्रधान के घर के सामने सफाई करके वो चले जाते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र पहुंचे। कुछ दिनों पहले चकबंदी के विरोध में ग्रामीणों और पुलिस के बीच महासंग्राम हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ ग्रामीण भी घायल हुए थे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सत्ताधारी नेता पर जबरदस्ती जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। वहीं गांव पहुंचे सुनील साजन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि कहां कि किस इस सरकार में पुलिस और माफियाओं का गठजोड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी गरीबों की जमीनों के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन वहां पर पहुंचे हैं और कुछ दिनों पहले चकबंदी के विरोध में ग्रामीणों और पुलिस के बीच महासंग्राम हुआ था, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ ग्रामीण भी घायल हुए थे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सत्ताधारी नेता पर जबरदस्ती जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। वहीं गांव पहुंचे सुनील साजन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है और कहा है कि सरकार में पुलिस और माफियाओं का गठजोड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी गरीबों की जमीनों के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो इससे पहले भी आपको बता दें ग्रामीणों और पुलिस के बीच में काफी बार संग्राम हो चुका है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन रायबरेली पहुंचे हैं तो उन्होंने लोगों को यह आश्वस्त किया है कि वो जरूर ही जो जमीन है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार में पुलिस और माफियाओं का काफी गठजोड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी गरीबों की जमीनों के लिए लड़ाई लड़ेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में लाए गए धर्मांतरण कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। वहीं जवाब दाखिल होने के बाद याचिकाकर्ताओं को 1 हफ्ते में अपना पक्ष रखना होगा। अब 2 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 2 अलग अलग याचिकाओं के जरिए धर्मांतरण कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज इसकी सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल एनसी एक्टिव संस्था व एक अन्य इस कानून को लेकर याचिका दाखिल की है। तो इलाहाबाद से एक खबर है जहां पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है और जवाब दाखिल होने के बाद याचिकाकर्ताओं को 1 हफ्ते में अपना पक्ष रखना होगा। अब 2 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2 अलग अलग याचिकाओं के जरिए धर्मांतरण कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल एनसी एक्टिव संस्था व एक अन्य ने इस कानून को लेकर याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि याचिकाओं में धर्मांतरण कानून के संविधान के खिलाफ और सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए उठाया गया कदम इसे बताया गया है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि इसके लिए इससे एक वर्ग विशेष के लोगों का उत्पीड़न किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश 2020 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल सभी याचिकाएं जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। इसमें क्योंकि अध्यादेश के बाद एक्ट आ गया था तो एक्ट आने के बाद ये सभी याचिकाएं इन्फेक्चुअस हो गई थी, लेकिन सभी याचिकाओं में संशोधन कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाएं पहले दाखिल की गई हैं उस पर अध्यादेश था और ऑर्डिनेंस के बाद अब जबकि एक्ट आ गया है लिहाजा इन याचिकाओं के चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, इनको स्वतः ही खारिज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की जहां उन्होंने बताया कि 8 जुलाई से 8 अगस्त तक यूपी जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। वहीं हर विधानसभा में 25,000 सदस्य बनाने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने के लिए किसी को कुछ नहीं देना है। 403 विधानसभा के अंदर अलग अलग मिस्ड कॉल नंबर जारी किया जाएगा। वहीं कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में चलाकर 8 जुलाई से 8 अगस्त तक 1 महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो अभियान चलाया जाएगा और इस यूपी जोड़ो अभियान में प्रत्येक विधानसभा में लगभग 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी की ओर से रखा गया है। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। हमारी मांग है कि आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में एक बिरादरी खा रही है, वोट हम देते हैं हिस्सा वो खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आए थे, हमारे आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए उन्होंने वादा किया था। 40 सीटें हम मोदी जी के साथ खड़ा होकर आसानी से उन्हें जिताए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लेबल मैसेज गलत जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं जरूर करती है, लेकिन अब जा रहा कि महाराज जी जब थे मुख्यमंत्री नहीं थे तो ढेर सारे बोले थे कि आपका आरक्षण हम दूर करेंगे देंगे, और वायरल हो रहा वीडियो। तो 10% इन्होंने जो आरक्षण लिख लिया उसके बाद से आंदोलित है कि भाई मेरा लिखा हुआ नहीं दे रहे हैं, हमारा नाम पिछड़ी जात में जबरदस्ती पिछली सरकारों ने डाल दिया हमारी उपजातियों का। हम ऑलरेडी मझवार गांव तुरैया खरवार बजार करोड़पुरी 7 नामों अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो मेरे समाज के भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखा, वो जो कहा उसी को पूरा कर दे। मैं सहयोगी दल हूँ तो मैंने उन्हें जिताया था, इस उम्मीद के साथ मेरा आरक्षण होगा। सहयोगी दल के रूप में सरकार चलाना उनका काम, मेरा काम है उनका कहना, बता दिया। अगर हुआ होता तो शायद ये दशत्रीय चुनाव नहीं होता। देखो हमें सीट नहीं चाहिए ना हमें कोई पद चाहिए, हमें केवल निषाद समाज के वो जो आरक्षण लिखा हुआ है वो लागू होना चाहिए। लागू नहीं हुआ 70 साल से, इसलिए हमें कुछ सीट चाहिए, क्योंकि हम जब रहेंगे तो उसे लागू करा लेंगे। नहीं उन्हें उनके ऊपर मैंने बोल दिया कि हमें कुछ सीटें जरूर। खबर लखनऊ से, जहां लगातार हो रही बारिश से जर्जर हो चुके भवन खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जी हां, वहीं वजीरगंज थाना इलाके में रिवर बैंक कॉलोनी के पीछे स्थित गोमती सदन बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया। इस इमारत में रहने वाले 23 साल के गौरव त्रिवेदी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने मलबा हटाकर शव को बाहर निकाला। गोमती सदन के देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम के पास थी। में वजीरगंज थाना अंतर्गत में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। रिजर्व बैंक की कॉलोनी जो थी नगर निगम की बताई जा रही है, वो कॉलोनी एकदम से सुबह 6 बजे ढा गई। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौके बाजार पे मौजूद हैं, जहां पे लगभग 2 लोग रह रहे थे और जो मलबे के नीचे दब गए हैं, जिसमें से 1 लोगों की मौत हो गई है और 1 लोगों को जो है बचा लिया गया है, मगर उसको भी गंभीर चोटें लगी हैं, जिसको जो है यहाँ के नज़दीकी ट्रामा सेंटर में भेजा गया है इलाज के लिए। और जो है बचाव दल भी यहाँ पे मौजूद थे और पुलिस भी यहाँ मौजूद थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कारण था कि जो बिल्डिंग है वो जो है ढा गई है। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम। रुक करते अगली खबर की ओर। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े हाउस और वाटर टैक्स की दरों को कम करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर नगर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित सपा नेताओं ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए नगर आयुक्त कार्यालय पर जमकर विरोध किया। बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों की पुलिस प्रशासन से हल्की नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गृह कर और वाटर टैक्स की बढ़ी दरों को अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सपा नेताओं ने कहा कि नगर क्षेत्र में पशुपालकों का नगर निगम के कर्मचारी उत्पीड़न कर रहे हैं। रात के अंधेरों में उनके जानकारों को आपको बता दें कि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि रात के अंधेरों में उनके जानवरों को उठा लिया जाता है। पशुपालकों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। अगर समय रहते मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, आज हम लोगों ने नगरायुक्त महोदय के यहाँ 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग आए हैं। जो शहर में जो ब्यात जिस तरीके से नगर निगम कर्मचारी द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सफाई के नाम पर जो करोड़ों रुपए आया, जो 4 दिन की बारिश में ही जिस तरीके से नालियां भजभजा रही हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, वो आम जनमानस और आप सभी लोग देख रहे हैं, और पशुपालकों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, रात में 2 बजे 3 बजे रात में नगर निगम की गाड़ियाँ जाती हैं और उनके बंधे हुए जानवर जो खूंटे से खोले जा रहे हैं, इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करके जिस तरीके से कूड़ा कलेक्शन के नाम पर जो आम जनमानस की जेब से जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है, इन तमाम इंदुओं के लिए। वहीं लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जहां लालची देसाई सेवा दल के राष्ट्र अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 7 साल में केंद्र व 4.5 वर्ष में प्रदेश के हालात खराब है। कोरोना में गंगा के किनारे लाशों के ढेर दिखे, ये शासन नहीं कुशासन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री हिटलर शाही चला रहे हैं। वहीं बीजेपी वाले रामलला की जमीन पर भी दलाली कर गए। प्रदेश में आवाज उठाने वाले लोगों को जेल भेज दिया जाता है।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर जनपद के थाना तालगांव इलाके के अकबरपुर से अपने घर न्यामूपुर जा रहे भाजपा विधायक सुनील वर्मा के पहनोई संजय वर्मा को अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया और फायरिंग करने लगे, जिससे उनके हाथ में गोली लग गई। वहीं फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी जब स्थानीय पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल संजय वर्मा को नजदीकी अस्पताल लहरपुर में भर्ती कराया और सूचना पर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह भी मौके पर पहुंचे। साथ ही क्षेत्र के सभी मार्गों पर पुलिस एक्टिव कर दिया गया। साथ ही अज्ञात दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। मैं बिस्मा की तरफ से जा रहा था, बिस्मा की तरफ से एक बाइक आ रही थी, वो बाईं तरफ ही आकर के हमारी साइड में लगी और बस हमने यही केवल कहा कि देख के भी नहीं चल रहे, बस वो फुटरेस पे खड़े हो, उसने फायर मार दिया। इसके बाद जैसे हम गिरे हैं, इसके बाद दूसरी फायर मारी, इसके बाद झाड़ी में हम कूद गए। वहाँ पे हम बिल्कुल ज़ोर से चीख के एकदम आवाज़ बंद कर लिए कि ये लगे कि ये उनकी गोली बिल्कुल लग करके खत्म हो गई। और फिर हम धीरे धीरे रेंगते रेंगते 800 मीटर कम से कम झाड़ियों में निकले रोड पे, फिर हम नहीं आए, हाईवे के अंदर नहीं आए, क्योंकि वो। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।